तो आज के वीडियो में आप लोगों को आपके फोन की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इस सेटिंग को अगर आप इनेबल कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो लॉक स्क्रीन होती है उसको जितनी भी बार आप ऑन करेंगे हर बार आपका नया वॉलपेपर वहां पे चेंज हो जाएगा। आपको समझाने के लिए चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने पावर बटन को दबाऊंगा यहाँ पे देखिए ये वॉलपेपर आ रहा है और ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। दोबारा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा वॉलपेपर फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वॉलपेपर चेंज हो चुका है। यानी कि जितनी भी बार आप अपनी लॉक स्क्रीन को यहाँ पे ओपन करेंगे पावर बटन से उतनी बार आपका यहाँ पे नया वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि इस सेटिंग को आप अपने फोन में किस तरह से इनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपकी भी लॉक स्क्रीन पर हर बार प्रेस करने पर एक नया वॉलपेपर देखने को मिले। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि आपकी लॉक स्क्रीन को आप जितनी भी बार ऑन करें हर बार आपका न्यू वॉलपेपर वहां पे चेंज हो जाए तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, आप जिस कंपनी का भी फोन यूज करते हैं आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको काफी तरह की सेटिंग मिलती है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का। अगर आपके फोन में इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च बार पे चले जाइए और यहाँ पर आपको लॉक लिखना है। जैसे आप लॉक या लॉक स्क्रीन लिखेंगे आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप स्लीप की सेटिंग कर सकते हैं, राइज टू वेक वगैरह काफी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब अगर आप एमआई का फोन यूज करते हैं तो थोड़ा नीचे की साइड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्लांस फॉर एमआई। अगर यहाँ पे ओप्पो का फोन यूज करते हैं तो यहाँ पे ओप्पो के नाम से आपको फीचर देखने को मिलेगा। अगर अदर किसी ब्रांड का फोन यूज करते हैं तो उसमें भी आपको इसी से मिलता जुलता है कोई ना कोई फीचर देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे जब आप इसमें फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से डिसेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डिसेबल मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस बटन को आपको यहाँ से एनेबल करना है यानी कि ऑन करना है। अब ऑन करने के बाद वैसे तो आपका फीचर यहाँ पे एनेबल हो चुका है, ऑटोमेटिक आपके वॉलपेपर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जो इमेज वॉलपेपर आएंगे उनकी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लांस इमेज कैटेगरी पे जाना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी फॉलोअर्स, इसमें से अगर आप किसी कैटेगरी की चाहते हैं कि उस कैटेगरी के वॉलपेपर हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए तो आप उसको यहाँ से अनफॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपको अनफॉलो कर देना जिस जिसको आप नहीं चाहते और जिस जिसको आप चाहते हैं सिर्फ उसी को फॉलो करके रखिए। तो उसी से रिलेटेड आपके वॉलपेपर आपकी लॉक स्क्रीन पर इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से ऑन करता हूँ, फिर से मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। फिर से ऑन करता हूँ, फिर से वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है गैलरी फोटोज का। यानी कि आप चाहते हैं कि ये कैटेगरी वाले हैं ये ऑनलाइन ये वॉलपेपर शो ना हो बल्कि आपकी गैलरी में आपके पास कलेक्शन है वो ऑटोमेटिक चेंज होने चाहिए। तो यहाँ से गैलरी फोटोज पे जाइए और यहाँ से जिस जिस फोटो को आप चाहते हैं लॉन्ग प्रेस कर लीजिए, आपके फोटो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। एक एक करके आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपके वही फोटो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और फिर जब आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऑन या ऑफ करेंगे तो आपके वही फोटो यहाँ पे वन बाई वन करके चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपनी लॉक स्क्रीन पर ऑटोमेटिक चेंज वॉलपेपर के फीचर को यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।